गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसियों की इस चैप्टर में यूनिसेफ के बारे में अध्ययन करेंगे। यूनिसेफ यूनाइटेड नेशंस की एक महत्वपूर्ण संस्था है। इसकी फुल फॉर्म होगी यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। इसकी स्थापना 1946 में की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ लगभग 190 देशों में बच्चों का जीवन बचाने के लिए और उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए कार्य कर रही है। इसके कार्यों का यदि हम विश्लेषण करें तो वो इस प्रकार से हैं। पहला मेन कार्य है बाल संरक्षण एवं समावेश, यानी जो बच्चे हैं उनका मेन धारा में, मेन स्ट्रीम में उनका समावेश किया जाए। प्रत्येक बच्चे को सुरक्षित और समावेशी वातावरण में बड़े होने का अधिकार है, इसलिए यूनिसेफ नीतियों को बढ़ावा देने, सभी बच्चों की सुरक्षा वाली सेवाएं और अपनी पहुंच का विस्तार करने के लिए दुनिया भर के देशों में काम कर रही है भागीदारी के रूप में। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है बचपन बचाओ, जिसके अंतर्गत यूनिसेफ कहता है कि हर बच्चे को जीवित रहने और पनपने का अधिकार है। यूनिसेफ दिन दुनिया भर में हर जगह सबसे कमजोर बच्चों तक पहुंच बनाने के लिए काम कर रही है और बाल मृत्यु दर को कम करने में बहुत सहायता की है। अगला महत्वपूर्ण कार्य है यूनिसेफ का शिक्षा। प्रत्येक बच्चे को सीखने का अधिकार है। हर लड़की और लड़के को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का समर्थन करने के लिए यूनिसेफ पूरी दुनिया में काम कर रही है, विशेष रूप से उन लोगों को जिनको पीछे रह जाने का खतरा है उनके लिए विशेष काम कर रही है। अगली कार्य है सामाजिक नीति। इसके अंतर्गत यूनिसेफ कहती है कि हर बच्चे को जीवन में समान अवसर मिलना चाहिए, समान अवसर मिलने का अधिकार है। यूनिसेफ दुनिया भर में गरीबी को कम करने के लिए प्रयासरत है और लड़कों और लड़कियों को जो आजीवन अच्छा परिणाम दे इसके लिए कार्य कर रही है। अगली महत्वपूर्ण कार्य है आपात स्थिति में सहायता। यूनिसेफ आपात स्थिति में हर बच्चे तक पहुंचता है। यूनिसेफ जमीन पर सबसे पहले उतरता है, कठिनाई या रिस्क के दौरान, रिस्क के पहले और इवन रिस्क के बाद बच्चों और उनके परिवार को जीवन दान, सहायता और दीर्घकालीन सहायता पहुंचाने के लिए काम कर रहा है। अगला है आपूर्ति एवं रसद। इसके अंतर्गत जोखिम में बच्चे को हर संभव सहायता प्रदान करना। यूनिसेफ जीवन रक्षक आपूर्ति के लिए स्थायी पहुंच प्रदान करता है, जहां सबसे ज्यादा जरूरत होती है वहां बच्चों के लिए पहुंचते हैं और रिजल्ट या परिणाम देते हैं। अगला महत्वपूर्ण कार्य है रिसर्च, अनुसंधान एवं विश्लेषण। इसमें यूनिसेफ इस प्रकार से बच्चों को ये जो जीवन है वो सफल बनाए और सुरक्षित बनाए, इसके लिए विशेष रिसर्च या अनुसंधान का कार्य भी करता है और जो भी एक्टिविटी करता है वो अनुसंधान और विश्लेषण के आधार पर करते हैं। इस प्रकार ये गतिविधियां लिखकर आप अपना यूनिसेफ का जो शॉर्ट नोट है वो कंप्लीट कर सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं ब्लॉग की सहायता से, जिसका लिंक मैं व्हाट्सएप पर दे दूंगा, और आपकी बुक है टेक्स्ट बुक वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं और इवन unicef.org की साइट पर विजिट कर आप अन्य विस्तार से जानकारी यूनिसेफ के बारे में प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें, अपने परिवार का ध्यान रखें।